राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधिका वीर मोहन एंड बालियान फैमिली। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और रसोई का काम तो मेरा सारा फिनिश हो गया है। सारी रसोई साफ कर दी है मैंने, पोछा भी लगा दिया है और अब मैंने मशीन चला रखी है कपड़े धोने की। देखिए, ये केवल एक दिन के कपड़े, मतलब 2 दिन के, कल बृहस्पतिवार और आज शुक्रवार, 2 दिन के कपड़े हैं ये, क्योंकि परसों धोए थे, बुध में कपड़े धोए थे, कल बृहस्पतिवार में हमारे कपड़े धोते तो हमने धोए नहीं थे, तो कल के और आज के कपड़े हैं ये। देखिए कितने कपड़े मशीन में डले हैं, कुछ वहाँ पे सुखा भी दिया है मैंने। तो अगर एक दिन भी मशीन ना चलाए ना, कपड़ों का पहाड़ लग जाता है सच में। मतलब इतने ज्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, डेली के कपड़े, एक जने के तीन तीन तो कपड़े, चार कपड़े तो बिल्कुल निकलते ही हैं, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया है तो बच्चे भी अंदर इनर पहनते हैं, ऊपर फुल स्लीव्स के कपड़े, तो कुछ भी भारी कपड़े होते हैं सर्दियों के, तो इसलिए भी ज्यादा भी इसलिए लगते हैं। फिर वो भी बहुत ज्यादा, मतलब सभी पूरे परिवार के कपड़े हैं ये, तो कितने कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। तो अब देखिए कमरे की हालत, सुबह से बस काम में लगे हैं, वायु कमरे में, कमरा सही करने के लिए फिर झाड़ू पोछा करूंगी। अब मैं रूम सही कर रही हूँ, जो बिस्तर थे वो समेट रही हूँ, और ये बेड की चादर मैंने बदल दिया है, क्योंकि आज मशीन में चला रखी है मैंने, तो चादर धो दूंगी मैं हफ्ते में एक बार धो देती हूँ बेड की चादर, जो ज़्यादा गंदी लगती है तब 2 बार भी धो लेती हूँ हफ्ते में चादर, वरना एक बार धोती हूँ हफ्ते में। ये मैंने इस पर गर्म चादर बिछा दी है। अब ठंड होने लगी है तो मैंने फिर बेड पे गरम चादर बिछा दी है। अभी कुछ दिन पहले तो हमने इसे ओढ़ ही रहे थे, क्योंकि कम ठंड थी तो ये ओढ़ने का भी काम कर रही थी जो गरम चादर है। अब ठंड ज्यादा होने लगी, कंबल मोटे वाला निकाल लिया है मैंने, तो ये चादर मैंने इस पर बिछा दी है। देखिए कैसी लग रही है ये चादर। इस चादर के साथ ना पिलो कवर नहीं थे, तो ये चादर, दूसरी चादर के जो पिलो कवर है वो मैंने इस पर लगा दी पिलो पे, और ये चादर ये है, बहुत सॉफ्ट है ये, इसका स्टफ बहुत सॉफ्ट है, पर ये विदाउट पिलो कवर आई थी, तो ये ओढ़ने का भी काम कर जाती है कम ठंड में, और फिर जब ज्यादा ठंड होने लगती है तो हम इसे बिछा भी लेते हैं। मशीन चला रखी है और कपड़े धो भी रहे हैं, और जो कपड़े धो रहे हैं उन्हें साथ उन्हें पानी में को निकाल निकाल के, मतलब पानी में को कंगाल के रख रही हूँ मैं, और साथ ही साथ ड्रायर में सुखा रही हूँ। जो हैंड वॉश वाले कपड़े हैं उन्हें हैंड वॉश किया मैंने, वैसे हैंड वॉश वाले ज्यादा कपड़े तो थे नहीं, ये बनियान रह गया था शुरू में डालने में, व्हाइट कलर का था तो इसे मैंने हाथ से धो दिया था। तो जी बज गए हैं दोपहर के 2, और दोपहर काम फिनिश हो गया हमारा, मतलब खाना बना लिया है, खा भी लिया है, बच्चे भी आए हुए हैं, आने वाले हैं बच्चे, क्योंकि 2 बजने 5 मिनट है, तो बस 2 बजे पूरे आ जाते हैं बच्चे। और दोपहर के खाने में आज बनाया था मिक्स दाल और रोटी, तो और मैंने यहाँ पे मलाई इकट्ठी करी थी दूध की, तो वो बिलो रही हूँ यहाँ पे मशीन, दूध वाली हो रही है मिली वाली, उससे उसके बाद शायद बच्चों की गाड़ी आ गई, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, बच्चे भी आ गए, बस अब काम तो दोपहर का वैसे हो ही गया है फिनिश, बस अब बच्चों को खाना वाना दे कर थोड़ा आराम कराया, उसके बाद उनको पढ़ना है। आ गए बच्चे भी। क्या खा रहा वीर? टॉफी। टॉफी? किसी बच्चे का बर्थडे था क्या आज? किसने दिया था? गांव का ही है। अरब अरब का बर्थडे था, तुझे ट्रॉफी बांटी। चलो अब यूनिफॉर्म चेंज करो तुम्हारी। इस वीर स्कूल से आते ही शुरू हो जाते हैं अपनी बातें बताना कि स्कूल में आज क्या किया, क्या खेला, मैम ने क्या पढ़ाया। कभी कभी तो कोई दिन ऐसा आता है कि बिल्कुल भी, मतलब काम फिनिश होने का नाम ही नहीं लेता। अभी मतलब दोपहर का खाना वाना खा के
बैठी थी, मतलब बैठी भी कुछ नहीं थी, काम ही कर रही थी किचन में। मैंने जो मलाई इकट्ठी हो रही थी उस पर मैंने रही लगाई, बच्चे आ गए, बच्चों खाना वाना दिया, खाना खा के बच्चे तो जा चुके हैं नीचे कमरे में, टीवी देख रहे हैं अपनी चाची के पास। और फिर मैंने मुझे कपड़े धोए, आज जिस दिन कपड़े धोते हैं उस दिन तो पूरा दिन मतलब कपड़ों में चला जाता है। पहले तो कपड़े धोना, फिर उन कपड़ों को पलटी लगाना, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में तो बिना पलटी लगाए कपड़े, मतलब सर्दी का मौसम है, सर्दी में तो बिना पलटी मारे कपड़े सूखते ही नहीं है। कुछ कपड़े जो मोटे होते हैं तो सारे कपड़ों को पलटी लगाई। वैसे आज मौसम ठीक है, साफ मौसम है, कई दिन में हुआ साफ मौसम, वरना बहुत देर से होता वही कोहरा आसमान में, धुंध छा रही थी बहुत ज़्यादा, साफ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, और कपड़े भी दो तीन दिन में सूख रही थी। परसों जो हमने बुध में कपड़े धोए थे वो कल जाकर बृहस्पतिवार तक सूखी, यानी परसों भी सुखाए कल भी सुखाए जब सूखे, तो आज के तो खैर कपड़े सूख गए। अब सारे अभी मतलब बच्चे जा चुके नीचे खाना खा के, और अब मेरा काम है कपड़े समेटने का, सारे कपड़े उठा के ला रही अंदर, जो प्रेस के कपड़े उनके उन पर प्रेस करूंगी और बाकी कपड़ों को तह बना कर रखूंगी, क्योंकि मैं सभी कपड़ों में प्रेस नहीं करती, जो ज़्यादा जरूरी कपड़े उन्हीं पर करती हूँ प्रेस, क्योंकि बिल भी तो फिर ऐसे आता है डेली, अगर रोज के कपड़ों पे भी करने लगे तो फिर बिल भी ज़्यादा ही आता है बिजली का, तो इसी हिसाब से थोड़ा अपना देखना पड़ता है ये चीज़ें, कि फिर बस जरूरी कपड़ों पे ही प्रेस करती हूँ, जैसे यूनिफॉर्म होगी बच्चों के पापा की, बच्चों की यूनिफॉर्म होगी, ये जो कॉटन के कपड़े हैं हमारे जो सूट सलवार होगी उन पर, लेकिन जो कुछ कपड़े ऐसे हो जिनमें जरूरत नहीं है उन पर ऐसे रख देती हूँ तय बना के अच्छे से, तो पता नहीं चलता कि तय बनाने के बाद कि प्रेस कर रखी नहीं, अच्छे से तय बना देती हूँ मैं। तो बस अब कपड़े सारे उठा कर लाऊँ, और एक तो जुकाम हो रहा है मेरा, कई दिन से ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा जुकाम, और छींक आती नोजी वो नाक बंद हो जाती है मेरी तो, छींक अभी छींक आई कई सारी तो नाक बंद हो गई मेरी। कुछ कल रात धुएं में काम किया, धुआं मुंह पे आ रहा था, मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि काम करा धुएं में सारा धुआं मुंह पे आ रहा था हवा की वजह से, रोटी बना रही थी रात के टाइम की, तो कुछ उस वजह से और ज़्यादा जुकाम हो गया, मेरे नाक में गले में धुआं बैठ गया और आँखों से पानी पानी बह रहा था, तो जुकाम हो गया मेरा दोबारा। देखो कितने सारे कपड़े तो उतार दिए, और अभी ये तार पे सूख रहे, इन्हें उतार दो। ये सारे सूखे कपड़े उतार रही हूँ मैं, अब इनकी तह बना के रखूँगी कपड़ों की। आज मौसम बहुत अच्छा था, धुंध नहीं थी कहीं तक आसमान में, क्योंकि कई दिन से घटा हो रही थी, तो आज कपड़े अच्छे से सूख गए। अब कपड़ों की बना रही हूँ तह, जो प्रेस के होंगे उन पे प्रेस करूँगी रात को, और जो बिना प्रेस के हैं जिनकी तह हो सकती है उन पे तह उनकी तह बना कर रख दूँगी अच्छे से। ये राधिका वीर की अलमारी है, यहाँ तो रहते हैं, इस वाले में वीर के कपड़े, इसमें राधिका के कपड़े, और इसमें जो जो सिलाई के जो कपड़े रखती हूँ मैं, मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं मैं रख लेती हूँ, सिलाई मशीन रहती है यहाँ पे मेरी, और ये सूट है कई दिन से, मतलब ये मेरी मम्मी का सूट है, जब मैं दशहरे पे घर गई थी तब मेरी मम्मी ने दिया था मुझे सिलने के लिए सूट, और कहा था कि सिल के भैदोज पे आएगा जब भाई से दे देगा, भैदोज भी चली गए, सारे त्यौहार चले गए पर मेरा, मतलब सारे त्यौहार चले गए पर मेरा मम्मी का सूट सिलने का टाइम नहीं लगा, मम्मी ने कहा कि चल कोई बात नहीं फिर दे दिए भैदोज पे, लेकिन मैंने कहा हाँ मम्मी दे दूंगी, लेकिन अब तक नहीं दिया गया, अब तक सिला भी नहीं, कटिंग भी नहीं की मैंने उस सूट की। अब मैं पता है ये सोचती रहूँ कि आज कटिंग करूँगी, लेकिन किसी किसी दिन तो मतलब ऐसा हो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, किसी दिन अगर टाइम हो तो खुद का मन नहीं करता कि मतलब काम फिनिश करने के बाद मन करा थोड़ा रेस्ट कर लो, तो आज सोची थी, पर अब तो 4 बज गए, बच्चों को दूध डाल दूंगी, अभी उठाऊंगी मोहन को, मोहन भी सो रहे, देखो ये सो रहे मेरे मोहन, 4 बजने वाले, मोहन को उठाती हूँ और बच्चों को भी दूध देती हूँ, फिर उसके बाद चाय वाय पी के फिर देखती हूँ अगर टाइम बचा, क्योंकि 5 बजते तो फिर अंधेरा होने लगता है, छोटा दिन होने लगे सर्दियों के, 5 बजते अंधेरा होने लगे, फिर मन नहीं करता, उसके बाद अंधेरे में क्या कुछ कटिंग वटिंग होती है, फिर मैं नहीं कुछ करती है 5 बजे के बाद, तो फिर सिलाई विलाई का काम नहीं होता, तो देखती हूँ टाइम लगता है चाय बनाने के बाद, तो आज कटिंग कर लूँगी फिर सिल दूँगी कल को, इस सूट की भी चिंता हो रही कि हाँ सिल के भिजवाऊँ, क्योंकि कोई अगर आने लगा घर से भाई भाई या मैं जाने लगी तो लेकर चली जाऊँगी, अगर सिला रहेगा तो।
अब करती हूँ बच्चों के लिए दूध, क्योंकि 4 बज गए हैं, मोहन को भी दूंगी दूध। यहाँ पे हमारे किचन में धूप आ जाती है इस टाइम पर देखिए, और गर्मियों में तो यहाँ पे 2 बजते ही धूप आ जाती है किचन में, मतलब जब बुरी गर्मी हो जाती है ना किचन में, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जाता, गैस के ऊपर भी धूप आती है। अब तो चलो मेरे फेस पर आ रही है, लेकिन गैस के ऊपर रहती है धूप, यहाँ पे खड़े हो गए चाय बनाना ही मुश्किल हो जाता है गर्मियों में। तो आपको कैसे लगी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, क्योंकि मैं यूट्यूब मेरा अभी मैंने अभी अभी नया चैनल बनाया है, 1 महीना ही हुआ है, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे भी मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लिया करें चैनल को, और शेयर भी किया करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट भी कर लिया करें। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और मेरे ब्लॉग्स ऐसे ही देखते रहें, इंजॉय करते रहें मेरी वीडियोज़ को। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।